अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे। पहला जो ट्रिक्स है उसका नाम है क्विक एनालिसिस टूल। ये देखें, ये हमारे पास कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है। ये देखें, इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे साइड पे आ जाएगा आपके पास एक, इसको कहते हैं क्विक एनालिसिस। इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, आप क्या बनाना चाहते हैं। ये देखें, चार्ट भी बन सकते हैं, कलर भी। ये टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको सम भी बता देगा, एवरेज, काउंट, टोटल, सारा कुछ। ये देखें, आपने सम करना है तो सिग्मा, ये देखें ये टोटल। यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो ये डिफरेंट बार्स आ जाएंगे आपके पास, चार्ट्स आ जाएंगे कि अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, सारा कुछ इसमें। ये देखें, ये चार्ट टाइटल इसमें बता रहा आपको सारा कुछ। टेबल्स में आएंगे, ये टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, ये डिफरेंस आपको लाइनिंग शो होगा, ऊपर जा रहा है, नीचे कम हो रहा है, ज़्यादा, डिफरेंट तरह के टूल्स है। दूसरे टूल का नाम है फिल्टर। ये देखें, वहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे हम किसी भी कॉलम पे ला के मतलब क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर से आके डाटा में आएंगे, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, ऊपर आइकॉन आ गया नीचे, इस पर एरो हेड सा बन गया, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा कुछ शो होगा, सेलेक्ट ऑल 1 2 3, यही हमारे नंबरिंग थी। जितना डाटा शो होगा वो इसमें आ जाएगा, हम जो भी सिलेक्ट करेंगे। वन सेलेक्ट किया तो हम ओके करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वन का डाटा आएगा, जिस जिस कॉलम या रो में वन था वो हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा टिप जो ट्रिक है उसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये देखें, इसमें हमारे पास एक पहले से ही डाटा है, ये हम दूसरा बना लेते हैं यहाँ ताकि ईजी हो जाए। ये देखें, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से डाटा में जाएंगे, यहाँ से डाटा वैल्यूएशन में चले जाएंगे, यहाँ पे आके लिस्ट पिक कर देंगे और सोर्स में हम कर देंगे, यहाँ से जो इसकी भी वैल्यू, ये हमने सारा सेलेक्ट कर दिया है, इसको हम एंड ओके कर देंगे। यहाँ से ये मस्ट टिक होना चाहिए, ओके कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन बन गया। ये देखें, 1 2 3 4, यहाँ पे अगर हम कुछ एक्स्ट्रा लिख 5 लिखेंगे एरर आ जाएगा। ये देखें, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसका मतलब है कि सिर्फ उसी डाटा। चौथे का नाम है ऑटो फिट विड्थ। अगर विड्थ आपने सेलेक्ट करनी हो तो आप माउस का जो एरो है वो यहाँ पे लेके आके जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, ये देखें यहाँ पे वो खुद ही जितना भी ऊपर नाम होगा उस लिहाज से वो सेलेक्ट कर देगा। ये देखें, दोबारा कर देते हैं। ये देखें, आप जब सर पे सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारा डाटा जितने भी होंगे वो उसको कर देगा। पांचवा है ट्रांसपोज। अब आपने रोज़ को अगर कॉलम में शिफ्ट करना हो तो आप किस तरह करेंगे, ये आपने डाटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट कर लें, स्पेशल पेस्ट में आके यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर दें। ये देखें, जो रोज़ थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। तीसरा है रिमूव डुप्लीकेट। अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री हुई भी आपने रिमूव करनी है तो जिस तरह, ये देखें हमारे पास यहाँ पे पहली और तीसरी लास्ट वाली जो है वो सेम एंट्री है, तो हम इसे रिमूव करना चाहते हैं। ये देखें, हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से डाटा में आ जाएं, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे आ जाएं। यहाँ से आपसे पूछेगा अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या चीज़ रिमूव करनी है, तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लें। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें, मैं आप पहले इसमें जो है ओके करें, पहले ओके करता हूँ, ये लास्ट वाला चला गया। देखें, जो डुप्लीकेट था वो चला गया। ये देखें लास्ट अब आ गया। दोबारा मैं करता हूँ, इसमें से मैं अमाउंट का टिक ख़त्म कर देता हूँ कि अमाउंट डुप्लीकेट को हुआ तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ख़त्म हो जाए। देखें, दो डुप्लीकेट उसे मैंने फाइंड करके ख़त्म कर दी, सही हो। सब मदद मिलती है आपको, अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री हो गई है तो वो आप ख़त्म कर सकते हैं आसानी से, बगैर बार बार उसको देखे ढूंढे। सातवां ट्रिक है गोल सीक। ये देखें, हमारे पास कुछ एंट्री है। अब यहाँ पे हमने ना मिसिंग फाइंड करना है क्वांटिटी आइटम नंबर 3 की, तो हम इसे किस तरह फाइंड करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने अमाउंट
हमने इसको 5 to 1.7 1.4 टोटल बना हुआ है, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 6000 करना है। और यहाँ पे क्या क्वांटिटी आए कि यहाँ पे टोटल जो है 6000 हो जाए, इसके लिए हम ये देखें। अभी फ़िलहाल मैं आपको करता हूँ जिस तरह हम करते हैं, अब सोचेंगे 100 करेंगे ये 6000 भी कंप्लीट नहीं हो रहा, 200 करेंगे 6000 से ऊपर चला गया, इस तरह हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक टूल है मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, यहाँ पे 6000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखें डाटा में आ जाना है, यहाँ पे है व्हाट इफ़ एनालिसिस, यहाँ पे इसमें गो टास्क में चले गए, गोल्ड सीक में चले गए सॉरी। यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लें जो उनसे सेल में आप करना चाहते हैं, मैं E6 में 6000 करना चाहता हूँ, उसमें मैंने वैल्यू लिख दी, और कौन से सेल में ला के यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिएगा ऑटोमेटिकली उसने क्वांटिटी भी देख ली कि इतनी क्वांटिटी पे इतना 6000 हो जाएगा आपका टोटल। पहले आपने वो जिसमें 6000 करना है वो लिख लेनी है, उसके बाद वैल्यू लिख देनी है कितनी वैल्यू करनी है, ऑटोमेटिकली फिर वो जिसमें क्वान्टिटी होगी वो कर लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।